साक्षी खबर और मैं हूं आपके साथ श्रोताऊ माधुरी। कानपुर के गुलमोहर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से रेप के बाद फेंकी गई लड़की की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैवानियत की कहानी बयान करती है। लड़की के शरीर पर कुल 25 गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। उसकी हड्डी 5 जगह से टूटी हुई है। कुल 17 स्लाइड अलग अलग जांच के लिए बनाई गई है। डॉक्टर की माने तो पोस्टमार्टम के दौरान 3 डॉक्टरों के पैनल ने घोर लापरवाही। जानकारी के मुताबिक लड़की के शरीर पर कुल 25 गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। जिसकी हड्डी 5 जगह से टूटी हुई है। दाहिने हाथ में 6 गंभीर चोट है और वह 2 जगह से टूटा हुआ है। बाएं हाथ में भी 3 गंभीर चोट के निशान है। पेट के नीचे से लेकर जांघ के बीच में 4 चोट के निशान है। दोनों कान से खून निकला है। होंठ और छाती के निचले हिस्से में भी चोट के निशान है। ज्यादा खून बहने से लड़की की मौत हो गई। प्राइवेट पार्ट में बाहर चोट तो नहीं है, लेकिन अंदर गर्भाशय पूरी तरह से जख्मी हालत में मिला है। कुल 17 स्लाइड अलग अलग जांच के लिए बनाई गई है। उम्र जानने के लिए हड्डी के टुकड़े को भी जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। लड़की के दोनों पैरों में कोई फ्रैक्चर नहीं है। एक बात तो साफ है कि लड़की के साथ हैवानियत करने के बाद फ्लैट से नीचे अगर लड़की कूदती तो सबसे पहले उसके पैर। लड़की के शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया था। इनमें कांचीराम ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर ओपी रॉय, किदवई नगर टीबी अस्पताल के डॉक्टर अमित वर्मा और डॉक्टर जया मिश्रा शामिल हैं। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। डॉक्टर की माने तो पोस्टमार्टम के दौरान 3 डॉक्टरों के पैनल ने घोर लापरवाही की। जांच रिपोर्ट में लिखा है कि नाखून में त्वचा के अंश मिले, लेकिन नाखून को जांच के लिए सुरक्षित। संघर्ष के दौरान लड़की ने आरोपी प्रतीक को नोचा था तो उसके नाखून में प्रतीक की त्वचा का हिस्सा छिल गया है। पोस्टमार्टम में साफ साफ लिखा हुआ है कि लड़की के जींस का बटन टूटा हुआ था। टॉप खून से सना मिला है। इससे एक बात तो साफ है कि कपड़ों की दशा देखकर भी आसानी से आकलन किया जा सकता है कि लड़की के साथ बर्बरता की गई, फिर उसे 10वीं मंजिल से फेंक कर। आपको बता दें कि करोड़पति कारोबारी प्रतीक का कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मोहर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल पर फ्लैट है। इसे 21 सितंबर को 19 साल की पर्सनल सेक्रेटरी को काम का खाता देकर फ्लैट पर लाया गया था। इसके बाद उसने फ्लैट का दरवाजा बंद करके उसके साथ पूछ कर दिया। विरोध करने और पुलिस की शिकायत की बात कहने पर प्रतीक ने फ्लैट से नीचे फेंक दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रतीक के खिलाफ रेप, हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ऐसी ताजा खबरों के अपडेट्स पाने के लिए